हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एमसीसी पैनल की जो फीडर होते हैं, मोटर स्टार्टर के फीडर होते हैं या फिर कोई भी पैनल की ड्राइंग है उसको कैसे पढ़ा जाता है। इसके अंदर मैं आपको बेसिक चीज़ बताई जाएगी। मान सकता हूं कि एक वीडियो के अंदर आप नहीं समझ पाएंगे, हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आने वाले हैं और बहुत सारी वीडियो पहले आ भी चुकी है। तो ये एक एमसीसी पैनल की ड्राइंग है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है एमसीसी 2 बॉयलर एरिया, यानी कि बॉयलर के अंदर एमसीसी पैनल नंबर 2 की ये पैनल की ड्राइंग है, उसकी हम ये ड्राइंग पढ़ने वाले हैं कैसे इसको पढ़ा जाता है। ये एक फीडर है जिसकी जो कि रिवर्स फॉरवर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मोटर को सीधा और उल्टा घुमाने के लिए जो स्टार्टर होता है वो वाली है। मोटर स्टार्टर के जो एमसीसी पैनल के अंदर काफ़ी सारी फीडर होते हैं, काफ़ी सारे तो डीओ स्टार्टर के होते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड के होते हैं, पीएफडी के भी होते हैं, सॉफ्ट स्टार्टर के, स्टार डेल्टा के, चेंज ओवर के, बहुत सारे फीडर होते हैं। तो यहाँ पे एक रिवर्स फॉरवर्ड का डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, सर्किट इसकी ड्राइंग है, इसको कैसे पढ़ना है हमें यही देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, दो तरह के सर्किट होते हैं, एक पावर और एक कंट्रोल। पावर के अंदर R1, Y1, B1 और N1 ये लिखा हुआ है जो फ्रेंड्स, ये एक बस बार सिस्टम है, यानी कि बस बार लगी हुई है पैनल के अंदर। सबसे पहले हम पैनल की इसकी ड्राइंग को, जो ये पावर सर्किट है ये वाला पढ़ते हैं। रिवर्स फॉरवर्ड के अंदर दो कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स हम, एक को हम फॉरवर्ड में चलाने के लिए, दूसरे को रिवर्स में चलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैनल के अंदर बस बार लगी हुई है, ये एल्यूमिनियम की भी हो सकती है और कॉपर की भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक एक फेज यहाँ पे उठा लिया है, उसके बाद MCB और MCCB में यह पावर चली जाती है। पावर जाने के बाद वहाँ से आउटपुट सप्लाई निकलती है 11, 12 और 13 नंबर। ये 13, 14, 15 नंबर है वो कॉन्टैक्टर F, यानी कि कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड के अंदर इनपुट सप्लाई चली जाती है। और इसी तरह से यहीं से सप्लाई उठ के रेड वाली तो चली जाती है कॉन्टैक्टर R के रिवर्स के अंदर इस साइड वाले में, और बीच वाले में, ये ब्लू वाली रेड वाली साइड, यानी कि ये फेज सीक्वेंस चेंज हो जाती है। और कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड से जो 14, 15, 16 इनपुट हुई थी वो निकलने के बाद 17, 18 और 19 बन जाती है। और इसी तरह से ये रेड वाली, इसकी जो आउटपुट निकलती है ये रेड में चली जाएगी, बीच वाले में, इधर वाले में ही रहेगी, यानी कि ऊपर से ही इन्होंने फेज सीक्वेंस चेंज कर दी है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आके 17, 18 और 19 बन जाएगी। 17, 18, 19 ये सप्लाई इनपुट हो जाएगी ओवरलोड रिले के अंदर। ओवरलोड रिले के इनपुट में 17, 18 और 19 नंबर फेरुल आ जाएगा, और वहाँ से जब आउटपुट सप्लाई निकलेगी वो निकलेगी 20, 21 और 22 नंबर। 20, 21, 22 नंबर वो चली जाएगी मोटर के टर्मिनल पे, मोटर के जो टर्मिनल ब्लॉक होते हैं जहाँ पे मोटर को पावर मिलती है वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। ये लिखा हुआ फ्रेंड्स RDOL, रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, फीडर नंबर 3F3, 3F4, 3F5, यानी कि ये 1, 2, 3 फीडर के अंदर सेम सर्किट रहने वाला है, सेम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर यूज किया गया है। अभी हम कंट्रोल सप्लाई के बारे में बात करते हैं कि कंट्रोल जो सर्किट है वो कैसे यूज किया गया है। फ्रेंड्स ये कंट्रोल सर्किट, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कितनी वोल्टेज के ऊपर कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 220 वोल्टेज AC कंट्रोल सप्लाई, 220 वोल्टेज AC, यानी कि 220 वोल्टेज पे ये पूरा का पूरा सर्किट काम कर रहा है। इस सर्किट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक तो लोकल से मोटर चलेगी, एक रिमोट से मोटर चलती है और एक DCS से, यानी कि तीन जगह से मोटर को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे R और ये न्यूट्रल, रेड फेज यहाँ से ले लिया और न्यूट्रल वायर यहाँ से ले लिया। रेड फेज से चलते हैं अब हम, यहाँ पे एक MCB 2 एम्पियर की लगा दी, उसके आउटपुट से निकलने के बाद फेरुल नंबर 30, यानी कि 30 नंबर फेरुल नंबर लगा दिया। वहाँ से निकल के ये चली जाती है OL, O1, यानी कि ओवरलोड रिले के अंदर। ओवरलोड रिले के अंदर निकलने से ये बात चली जाती है फ्रेंड्स, ये 31 लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं है, मिसप्रिंट होने की वजह से ये थोड़ा मिट गया, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये 31 नंबर है, 31 नंबर के बाद ये चली जाती है फ्रेंड्स K1 के अंदर। K एक कॉन्टैक्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं K कॉन्टैक्टर है। ये K कॉन्टैक्टर इसलिए यूज किया गया है कि यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हमें मोटर को DCS से चलानी है या फिर पुश बटन दबा के चलानी है। तो ये कॉन्टैक्टर K है। कॉन्टैक्टर K कब ऑन होगा? तब होगा ऑन जब ये लोकल परमिशन फ्रॉम DCS, जब हम DCS से इसको कमांड देंगे K वाले कॉन्टैक्टर को, ठीक है।
तो ये कॉन्ट्रैक्टर के वाला पिकअप हो जाएगा, तो ये लोकल में चली जाएगी। लोकल में जाने के बाद यहाँ से एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, यहाँ आने के बाद भी हमें पता लगाना है कि कौन सी साइड से हमें मोटर को चलाना है। यानी कि एक तो पैनल के ऊपर लगा होता है पुश बटन स्टेशन, और एक लगा होता है मोटर के पास स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं लोकल में, मैं आपको रिमोट में भी बताऊँगा डीसीएस में भी बताऊँगा। तो हमने यहाँ पे लोकल में इसको सिलेक्ट कर लिया, ये 32 से 33 नंबर बन जाती है यहाँ पे वायर, और 33 नंबर जो ये है फॉरवर्ड और रिवर्स के स्टार्ट और स्टॉप बटन में चली जाएगी। ये 35 फॉरवर्ड से निकल के 35 नंबर और रिवर्स से निकल के 36 नंबर बन जाएगी। तो फॉरवर्ड का जो 35 नंबर है फ्रेंड्स, वो चला जाएगा कॉन्ट्रैक्टर आर, और कॉन्ट्रैक्टर आर के अंदर एनसी पॉइंट में। ये एक फ्रेंड्स इंटरलॉकिंग है, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्टर फॉरवर्ड वाला ऑन है तो कॉन्ट्रैक्टर वाला आर जो रिवर्स वाला है वो ऑन नहीं होगा, अगर रिवर्स वाला ऑन है तो फॉरवर्ड वाला ऑन नहीं होगा। फ्रेंड्स आप इंटरलॉकिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 35 नंबर से ये इंटरलॉकिंग से निकलने के बाद ये 37 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 37 के अंदर बन जाती है, 37 से ये कॉन्ट्रैक्टर के अंदर चली जाती है, कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल के अंदर चली जाएगी। इसी तरह से ये फिर रिवर्स वाला बटन है, रिवर्स वाला दबाएंगे तो 36 नंबर में, 36 नंबर से फिर कॉन्ट्रैक्टर के फॉरवर्ड के एनसी में इंटरलॉकिंग में, इंटरलॉकिंग से निकल के ये 38 नंबर में, और फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर रिवर्स, तो ये कॉन्ट्रैक्टर रिवर्स ऑन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये फॉरवर्ड और रिवर्स लोकल वाला ऑन ऑफ हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं रिमोट की, इस सिलेक्टर स्विच को घुमाने वाला स्विच होता है फ्रेंड्स ये रोटरी स्विच, इसको हम जब घुमा के रिमोट की साइड ले आएंगे तो ये 33 की बजाय 34 में सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा, और ये 32 से 34 नंबर में सप्लाई जैसी आएगी तो हम जो पैनल मोटर के पास स्टार्ट और स्टॉप वाले बटन लगे होते हैं, यानी कि रिवर्स और फॉरवर्ड वाला बटन लगा हुआ है, वहाँ पर उसको दबाएंगे तो ये फॉरवर्ड वाला दबाएंगे तो ये 35 नंबर के अंदर वायर जुड़ जाएगी, 35 नंबर के अंदर वायर जुड़ेगी तो आगे का सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे मैंने इसमें बताया था। और अगर हमें रिवर्स में चलाना है तो ये वाला दबाएंगे तो ये रिवर्स वाला 36 नंबर बन जाएगा, 36 में आगे का सेम प्रोसीजर रहेगा, वही सेम बिल्कुल, ठीक है। और फ्रेंड्स हमें ये तो था लोकल और रिमोट में, अगर हमें मोटर को डीसीएस से चलाना है यानी कि कंप्यूटर पीएलसी स्काडा इनसे चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, लोकल परमिशिव को ऑन करना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट एनओ बन जाएगा, ये एनसी बन जाएगा, एनसी बनते ये इस साइड सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा, 31 नंबर से सप्लाई को 39 में भेज देगा, ये इधर का ऑफ कर देगा सिस्टम। तो यहाँ से फ्रॉम डीसीएस मोटर रन, डीसीएस से हमें सेलेक्ट करना है कि फॉरवर्ड में चलाना है या रिवर्स में, ये वाला फॉरवर्ड है और ये वाला रिवर्स है, तो फॉरवर्ड वाला जैसे दबाएंगे तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे जाते ये फिर ऑन हो जाएगा, और रिवर्स में करेंगे तो ये यहाँ से सप्लाई होते हुए यहाँ पे चली जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके अंदर कोई होल्डिंग वगैरह नहीं दे रखी है, ये होल्डिंग इसलिए नहीं दे रखी है तब तक इसको दबा के रखेंगे जब तक ये फॉरवर्ड में चलेगा, और इसको छोड़ देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। रिवर्स में जब ऑन करके रखना है तो इसको दबा के रखेंगे तो रिवर्स में चलेगा, इसको छोड़ देंगे तो ये रिवर्स से भी हट जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी तरह के रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होते हैं फ्रेंड्स, होल्डिंग वाले भी होते हैं, लिमिट स्विच वाले भी होते हैं, फ्लोट स्विच वाले, बहुत तरह के ये अपनी रिक्वायरमेंट अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग अपनी कंपनियों में बनवाते हैं इनको। तो ये तो था इसका कंट्रोल सर्किट। अभी बात करते हैं कि आर लिखा हुआ है और एक ये इंडिकेटर लगा रखा है। आर एक रिले है फ्रेंड्स जो कि ट्रिपिंग रिले है, जो कि ओवरलोड रिले से यहाँ पे 30 नंबर से 40 में जब सप्लाई आ जाएगी तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी और इसके साथ में ये इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। इंडिकेटर ऑन हो जाएगा तो इससे हमें पता लग जाएगा कि मोटर ट्रिप हो गई है, स्टार्टर ट्रिप हो चुका है, और रिले से फीडबैक मिल जाएगी डीसीएस वगैरह या फिर कंप्यूटर स्काडा सिस्टम के अंदर कि मोटर ट्रिप हो चुकी है, वहाँ पे येलो कलर की एलईडी ब्लिंक करने लग जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद ये वाला कॉन्ट्रैक्टर एफ और कॉन्ट्रैक्टर आर ये इनके एनओ यूज किए हुए हैं। 33 नंबर से जब 41 नंबर के अंदर सप्लाई आ जाएगी तो ये एक इंडिकेटर ऑन हो जाएगा जिससे पता लग जाएगा कि मोटर ऑन है, ठीक है, यानी कि चल रही है, उससे मोटर का ऑन रनिंग का पता लग जाएगा। और ये मैंने आपको पहले बता दिया डीसीएस जो 30 से 55 नंबर में जब सप्लाई आ जाएगी तो यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा कि हमें लोकल में चलाना है या डीसीएस से चलाना है,
ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ टर्मिनल होते हैं इसके, कॉन्टैक्टर एफ कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड के टर्मिनल हैं, कॉन्टैक्टर रिवर्स के टर्मिनल हैं, और ये रिले के टर्मिनल है, और ये कॉन्टैक्टर सी के टर्मिनल है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, ये जो कंट्रोल सर्किट था उसका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके अंदर और इसके अंदर कोई डाउट है, कोई मन में सवाल सुझाव है तो हमें ज़रूर बताइएगा। अभी बात करते हैं हम ये टर्मिनल ब्लॉक। टर्मिनल ब्लॉक फ्रेंड्स क्या है, टू डीसीएस मोटर ट्रिप, यानी कि आर रिले है, वहाँ से एक आर, ये रिले है, ये रिले लगी हुई है, ये आर टर्मिनल है, तो ये एक एनओ पॉइंट है, ये जब एनसी बन जाएगा तो ये एनसी हो जाएगा, ये जब एनसी हो जाएगा तो इसको ये लूप मतलब कि लूप क्लोज हो जाएगा, लूप क्लोज हो जाएगा तो ये मोटर को जो सॉरी डीसीएस को पता लग जाएगा कि मोटर ट्रिप हो चुकी है, तो ये रीसेट करने की ज़रूरत है हमें वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये है टू मोटर रनिंग, ये एक डेल्टा से सॉरी डेल्टा क्या, एक जो कॉन्टैक्टर है फॉरवर्ड या रिवर्स वाले से इसको ऑन ऑफ का इंडिकेटर चला जाएगा, जिससे कि मोटर डीसीएस के अंदर पता लग जाएगा कि मोटर चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, और उसके बाद ये 35, 39 और 36, यहाँ से हम मोटर को फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ से हम रिवर्स कर सकते हैं, रन फ्रॉम डीसीएस, ये डीसीएस से ऑन ऑफ कर सकते हैं माउस के थ्रू क्लिक करके। ठीक है, और यहाँ से हम लोकल परमिशन दे सकते हैं कि हमें मोटर को डीसीएस से चलाना है या फिर लोकल से चलाना है। तो ये तो थे इसकी टर्मिनल ब्लॉक, टर्मिनल डिटेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो मैं आपको यही समझाने वाला था कि क्या कैसे कैसे इसको पढ़ा जा सकता है। आगे आने वाली वीडियो बहुत सारी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा ड्राइंग के ऊपर और सर्किट्स के ऊपर वगैरह आने वाली है, इंटरलॉकिंग वगैरह के ऊपर आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको इस वीडियो के प्रति कोई सवाल सुझाव है तो ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो इसको लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि अपने दोस्त भी इस वीडियो को देख के ड्राइंग पढ़ना या बनाना सीख जाएं। ठीक है, अगर सीखे ना गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।